उत्तराखंड में अपराधों पर अंकुश पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए आज कोर्ट द्वार में जगह जगह चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसका उद्घाटन एसएसपी जगतराम जोशी ने किया। इस वक्त हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल से जुड़ चुके हैं एसएसपी जगतराम जी। जी सर, बताइए शहर में आज जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब कभी क्राइम हो जाता है, विशेष तौर पर रात के टाइम हो जाता है जी, तो हम लोगों को हर पॉइंट पर पुलिस उपलब्ध नहीं हो पाता है, ये आप भी जानते हैं। इससे हमको बहुत मदद मिलती है। कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा फोर्स का पिकेट नहीं है, और अगर आसपास कोई कैमरा लगा होता है, कोई क्राइम होता है या उस क्षेत्र से कोई अपराधी गुजरता है, तो बाद में हमको उसको ट्रेस करने में बहुत आसान हो जाता है, बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए मेनली क्राइम को रोकने में, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी भाग जाती है, अगर जिस रूट में हमारा कैमरा लगा हुआ है अगर उस रूट से वो निकली है, तो हम उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो इससे काफी फायदे मिलते हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। सर, इसके अलावा अपराधों को रोकने के लिए व कंट्रोल करने के लिए और क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, बाकी तो नॉर्मली हमारा जो रूटीन का पुलिसिंग होता है, हमारे जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं, जो पिछले 5 सालों के क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने अपराध किया है, उनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। हर जवान को उसके पीछे लगा हुआ है, उसको पता कर रहा है वर्तमान में उसकी क्या गतिविधियां है, कहाँ वो रह रहा है, ताकि वो आगे क्राइम न करे। तो इसके लिए हम लोगों का ये भी एफर्ट्स है। बाकी जो हमारा पेट्रोलिंग होता है, जो हमारा गश्त होता है, और जो जनता के साथ हम लोगों का लाइजन बना हुआ है ताकि वो भी हमको क्रिमिनल की सूची दे, इन सब चीजों से हमको मदद मिलती है क्राइम कंट्रोल में। ठीक है सर, क्राइम स्टोरी में जुड़ने के लिए धन्यवाद।